देखिए एनडीए में का कुल कुर्मा बढ़ाना है, एनडीए को बिहार में सत्ता में लाना है, पुनः 2024 और 25 में जो चुनाव हो उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में भी बनानी है 25 में, और 24 में हम लोकसभा में 39 सीट जीते हैं, हमारा टारगेट 35 से ऊपर रहेगा। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए किसी भी दल को यदि भारतीय जनता पार्टी को लाना हो लावे, और चिराग पासवान जी आते हैं, चिराग पासवान जी पहले भी एनडीए का अंग थे और उनको एनडीए बाहर नहीं किया, स्वयं चिराग पासवान जी अपने एनडीए से बाहर हुए थे जी। यदि आते हैं और अपने गलती को स्वीकार करते हैं, गलती का क्षमा मांगते हैं तो उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है एनडीए परिवार में, और एनडीए में उनका लाने का हम लोग स्वागत करें। नहीं तो चाचा के साथ भी कुछ जो शिकायत थी वो दूर हो सकती है? चाचा उनको दल से निकाले नहीं थे जी, उनको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके गलत नीति, गलत उनके क्रियाकलाप को लेकर के जनता से कटे हुए हाई फाई राजनीति, जो पासवान जी का कार्य करने का तरीका था, शैली था, उस तरीका को नकार देने के तो तब के चिराग पासवान और अब के चिराग पासवान में कुछ अंतर है? कारण ही उनको नेतृत्व परिवर्तन किया गया, चिराग पासवान ने ही लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ करके अलग होने का काम किया जी। लेकिन चिराग पासवान जी व्यापक परिवर्तन लाए हैं, अपने जनता से मिल रहे हैं, जनता के दुख सुख को मुद्दा बना करके लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, जो गलत लोगों से गाइड होते थे वो गाइड होना बंद कर दिए हैं, कार्यकर्ताओं की बात को सुन रहे हैं, यह सकारात्मक हमको संदेश मिल रहा है चिराग पासवान के प्रति। चिराग पासवान इन तमाम चीज़ों को अपनाते हुए और अपनी गलती का क्षमा मांगते हुए यदि पारस जी के पास आते हैं तो हम लोग आग्रह करेंगे अपने नेतृत्व से भी और नेता से कि चिराग पासवान जी को एनडीए में भी लेना चाहिए, यदि आग्रह करके लोक जनशक्ति पार्टी में आना चाहते हैं तो उनको गलती को क्षमा करते नहीं, उनकी तो अपनी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अरे रामविलास पासवान बनाए हैं गलत है, रामविलास पासवान जी का सपना का पार्टी था लोक जनशक्ति पार्टी जी। इस लोक जनशक्ति पार्टी को मर्ज कर करके पूरा लोक जनशक्ति पार्टी बन जाए यह खुशी की बात होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी एक हो जाए और परिवार एक हो जाए? पार्टी और परिवार कौन चाहेगा कि टूट जाए जी, पार्टी भी एक रहे परिवार भी एक रहे, जो गलत नीति है गलत सिद्धांत था उनको उसको त्याग दे और अपना पुराने फॉर्म में आ जाए। तो आपने तो बहुत बड़ी खबर दे दी है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। आप ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान से जो शिकायत थी उस बहुत चीज़ें बदली हैं चिराग पासवान में, बहुत अच्छी आदतें चिराग पासवान में आई हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और पार्टी भी एक होनी चाहिए परिवार भी एक होनी चाहिए, ऐसा लगता है जैसे कड़वाहट बहुत हद तक कम हो चुकी है। कड़वाहट देखिए हम कहते हैं कि जो आपको जदयू का जन्म क्यों, लालू यादव के कुशासन के खिलाफ जंगल राज के जी, और लालू यादव के कुशासन जंगल राज के खिलाफ जिसका जन्म हुआ वह दोनों एक होकर के महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं, तो यहाँ तो एक परिवार से दो फाड़ हुआ है जी। दोनों लोगों का एक हो जाने में क्या दिक्कत है, दोनों परिवार के दोनों सदस्य एक हो जाए, रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करें और लोक जनशक्ति पार्टी का जिस सपना को लेकर के रामविलास पासवान जी जन्म दिए थे उस सपना को साकार करने का काम करें हम।